मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या हुआ? उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसका ट्रीटमेंट कुछ होता ही नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? पहले आप मतलब समझो। आप इसका मतलब समझोगे ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है, तब आप समझोगे कि इसको ठीक कैसे करना है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या? आपके अंदर जब भी खतरा बढ़ेगा आपकी इम्यूनिटी हाई होगी, लेकिन इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म दोनों उल्टा काम करते हैं। इम्यूनिटी हाई होगी, मेटाबॉलिज्म डाउन रहेगा। मेटाबॉलिज्म क्या है? किचन, आपके घर का किचन। किचन कितने दिन बंद करोगे मुझे बताओ, कितने दिन बंद कर सकते हैं? तो अगर आपकी इम्यूनिटी हमेशा ऊपर होती है तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यून सिंड्रोम, यानी किचन आपके बंद होता है, मेटाबॉलिज्म डाउन होता है। आप अपने शरीर का किचन ही बंद करके रखोगे हमेशा के लिए, तो आपके सारे ऑर्गन फेल होने चालू हो जाएंगे। इसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। समझ में आया? इसका मतलब आपके शरीर के अंदर बहुत खतरा है, आपकी इम्यूनिटी हमेशा हाई रहती है। अब आपने दवाई खानी है, एक इम्यूनिटी को नीचे कर दो। क्या है इलाज? थायराइड, सॉरी स्टीरॉयड खा लो, स्टीरॉयड खा लो, इम्यूनिटी को डाउन कर दो। स्टीरॉयड खाने से मेटाबॉलिज्म तो ऊपर नहीं होता, इम्यूनिटी जो बचा रही है आपको उसको भी आपने क्रैश कर दिया। अब तो पक्का कोई आपका इलाज नहीं हो सकता। ध्यान से समझिए क्या बता रहा हूं मैं। आपका इम्यूनिटी हाई है, मेटाबॉलिज्म डाउन है। अब आपने स्टीरॉयड खाया, इम्यूनिटी को डाउन कर दिया, मेटाबॉलिज्म भी डाउन है, इम्यूनिटी भी डाउन है। ये कौन सी स्थिति है? मृत स्थिति है, मृत्यु वाली स्थिति है। अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता मल्टीपल स्क्लेरोसिस। शॉर्ट टर्म के लिए कोई मैनेजमेंट आप करें समझ में आता है, शॉर्ट टर्म, लेकिन मेटाबॉलिज्म को हाई करने का भी तो उपाय करो। अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं, इम्यूनिटी को क्रैश कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म भी तो हाई करो, तभी तो रिकवर करेगा शरीर। दवाई तो आपको ठीक नहीं करती, कोई दवाई भी आपको ठीक नहीं करती, दुनिया में कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। आपका शरीर ठीक, आपके शरीर की जीवनी शक्ति होती है वही ठीक करती, दवाई आपको कोई भी ठीक नहीं करती। और कुंभक उस जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी लाइफ को आपको इंप्रूव करना है तो कुंभक करना ही पड़ेगा। अगर बहुत स्टेरॉइड खा के आपने क्रैश कर लिया है तो भी कुंभक करेंगे तो आपको फायदा होगा, यानी आपकी लाइफ जितनी भी बची है उतनी इंप्रूव होगी, और लाइफ को बढ़ाएगा भी कुंभक, चाहे कितना भी बढ़ाए, 1 घंटा बढ़ाए, 1 साल बढ़ाए, 10 साल बढ़ाए। तो यानी जो हमने शरीर के का खतरा है उसको कम करना है, तो पहली चीज अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करो, दूसरा अपने शरीर का टॉलरेंस बढ़ाइए, टॉलरेंस झेलने की क्षमता। अगर झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी तो आपके शरीर रिकवर होने के बहुत चांस बढ़ जाएंगे। तो कुंभक जरूरी है ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में मेडिसिन जितना लंबा आप खाएंगे उतना ठीक होने की संभावना खत्म होती जाएगी।